माहौल ऐसा है कि ऐसा लगता है गुंडा राज चल रहा है। गुंडा, अभी आपने जांगीपुरी का दंगा सुना है, सेम ऐसा ही माहौल हमारे इधर भी चलता है। कोई भी बच्चा पढ़ने इधर उधर की शिक्षा पे पूरा ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। नया स्कूल बना गया? बिल्कुल नहीं सर, नया स्कूल के नाम पे तो ठग है ठग। ठगते हैं ठगते हैं, ठगने का बैनर लगा लेना चाहिए केजरीवाल को अपने घर के आगे। इनका हक ये था कि ये छठी के अंदर, सातवीं के अंदर, आठवीं के अंदर प्रतिभा विद्यालय के अंदर दाखिला ले सकते थे, लेकिन अभी ने कहा जा रहा है कि आपको दाखिला नौवीं के अंदर मिलेगा। ये बच्चे इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट में हैं। अब कोई पर्वतारोहण चेंज नहीं करना चाहते। हमने ये देखिए सर, बार बार लेटर भेजा है, सिर्फ रूल लिख के भेज रहे हैं। ये हमारा रूल है, जनताओं का कोई रूल नहीं है। गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। जहाँ दिन दहाड़े चोरी मवाली होता है, ऐसे होता है। हमारे नंबर वन का हाल देख लीजिए सर, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और ये केजरीवाल सर कह रहे हैं सारे विद्यालय अच्छे हैं। प्रतिभा विद्यालय भी तो अच्छे थे। अगर प्रतिभा विद्यालय अच्छे नहीं थे तो पहले क्यों खुले थे छठी से आठवीं तक? अब क्यों बंद कर दिए छठी से आठवीं तक? ये कह रहे हम नौवीं से बेस बनाएंगे, बच्चों के भविष्य का बेस बनाएंगे। अरे बेस बनाना है केजरीवाल सर तो छठी से बनाओ ना। छठी से तो बच्चों के पास दिमाग होता है। जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई करती है, जो दूसरे बच्चे बदमाश है वो जाएगी पीछे से सर फोड़ देगी ताले के, उनके थप्पड़ उठा देगी। मान लो आप उसी में लड़की हो लड़का हो, कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल का टीचर बोलती है मैं क्या करूंगी, मैं उसके साथ जाऊँ महाभारत करने के लिए? मेरे कोई गलती नहीं है, जो करेगी उसको आगे करूँ। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरे पीछे कुछ बच्चे हैं, अरविंद केजरीवाल की भाषा में कहूं तो ये बच्चे वोटर नहीं हैं, इसीलिए किसी ने इनके बारे में सोचा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने इनके बारे में सोचा। कैसा सोचा? दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित का एक गोल्डन प्रोजेक्ट था मॉडल स्कूल का, वो मॉडल स्कूल का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में गया। अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने उस फाइल पर थोड़ी लीपापोती की और उस मॉडल स्कूल को दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया। दिल्ली के अंदर दिल्ली के क्रीमी बच्चों के लिए एक विद्यालय हुआ करते थे RPVV, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र उन विद्यालयों में पढ़ा करते थे। उस विद्यालयों का रिजल्ट हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार आई और उसने नाम बदलने की नीति अपनाई, RPVV को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदल दिया और कहा कि दिल्ली के अंदर हमने नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया। जबकि वो नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं थे, वो तो RPVV का ही एक नया मॉडल था। फिर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन SOSE का निर्माण करवाया गया और अभी कुछ दिनों पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर इन्हीं SOSE को बाबा साहेब अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में बदल दिया गया। माने मसले को समझिए, पहले वो विद्यालय RPVV हुआ करते थे, सिर्फ उनका नाम बदला और कह दिया कि जी हमने देश के अंदर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, जिसमें बीच में स्कूल ऑफ एजुकेशन करके खोला गया था, यानी कि तीन बार इनके नाम बदले गए और चौथी दफ़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे उन्हीं विद्यालयों के नाम रख दिए गए। विद्यालयों के नाम बदलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति किस चीज़ की है? RPVV के अंदर एडमिशन के लिए शीला दीक्षित सरकार ने एक क्राइटेरिया निकाल रखा था कि किसी भी बच्चे को सामान्य सरकारी स्कूल में 2 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करनी होगी और 2 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही प्रतिभा विद्यालय के अंदर दाखिले होंगे। सरकार आई अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने इस चीज़ को बदल दिया और बदल के 50% प्राइवेट स्कूल के लिए और 50% सरकारी स्कूल के लिए कर दिया। आपत्ति इससे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति है जब रेस की लाइन एक नहीं है तो फिनिशिंग लाइन एक कैसे? प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे पीछे जो बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे के, इन बच्चों के जो माता पिता हैं, बगल में ही आज़ादपुर मंडी है, इस वक्त हम सराय पीपलथला में हैं, इनके माँ बाप रेड़ी पटरी चलाते हैं, फल का काम करते हैं, इनके घर में वो माहौल नहीं मिलता जो माहौल किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलेगा, तो क्यों इनसे इनका हक छीना जा रहा है? अब इनका हक क्या था? इनका हक ये था कि ये छठी के अंदर, सातवीं के अंदर, आठवीं के अंदर प्रतिभा विद्यालय के अंदर दाखिला ले सकते थे, लेकिन अभी ने कहा जा रहा है कि आपको दाखिला नौवीं के अंदर मिलेगा। ये बच्चे
इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट में हैं और इनके प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं सत्यनारायण। यस सर। सत्यनारायण, क्या मसला है, तफसील से बताइए। सर, ये प्रतिभा विद्यालय आपने सुना ही होगा सर, जिसका बार बार नाम चेंज कर रही है केजरीवाल सर, और ये बच्चों के अधिकार को तो लेकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है इन्होंने अपना एक शिक्षा का मॉडल पेश कर लिया है जनताओं के बीच, इनको ना विज्ञापन में बस दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं ये सर, हमारे इधर के ये छठी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक के ये बच्चे हैं सारे, ये डेढ़ महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कब एडमिशन मिलेगा भैया, हमें कब एडमिशन मिलेगा सर ये प्रतिभा स्कूल में, और ये एडमिशन के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। इनके कंधों के ऊपर मैं भी अपना बोझ बढ़ाकर केजरीवाल सर के ऑफिस गया हूँ, दिल्ली सचिवालय गया हूँ, कई आवाज़ नहीं सुनाई इन्होंने। और ये कह रहे कि अगर हमारा छठी से एडमिशन ही नहीं होगा सर भैया तो हम कैसे, नौवीं में तो हम तो इधर इधर का माहौल ऐसा है कि ऐसा लगता है गुंडा राज चल रहा है। गुंडा, अभी आपने जांगीपुरी का दंगा सुना है, सेम ऐसा ही माहौल हमारे इधर भी चलता है। कोई भी बच्चा पढ़ने इधर उधर की शिक्षा पे पूरा ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। कहने का मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन है, एक नंबर का कहूँ ना तो मतलब अभी कह नहीं सकता सर, मैं बच्चों के बीच में हूँ तो कह नहीं सकता बस आप। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बाकी सरकारी विद्यालय उनकी हालत क्या अभी भी खस्ता है? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ के जो सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी है ये सर, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स इनके गाइडलाइन से तो मैं बड़ा हुआ हूँ। ये बार बार मुझे बुलाते रहेंगे कि सत्यनारायण आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, तो हम तो सरकारी वजीर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कदम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप इस सोसाइटी का एक माहौल तैयार कर सकते हो कि शिक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या करते हो सत्यनारायण आप? मैं सर छोटा सा एक छोटा मोटा कोचिंग पढ़ाता हूँ सर, और ये कुछ बच्चे मेरे पास भी पढ़ते हैं, और ये बहुत सारे बच्चे सराय के हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोचिंग वाले हैं। लेकिन सत्यनारायण बाबू एक बात हम आपको बता दें, शिक्षक कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं होता, उसके एक गोद में निर्माण तो दूसरे में विनाश पल रहा होता है, तो कोचिंग कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और आप इन बच्चों को लेके जो एक नए तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। तो इसलिए ये कहना कि आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं इसको हटाइए। मुझे ये बताइए कि ये छठी से एडमिशन कब बंद हुए हैं आप? ये सर छठी से जो एडमिशन है ये कोरोना आया सर, कोरोना आने के बाद ये दिल्ली सरकार ने इसको टेम्प्ररी जो है लिख के रखा था कि इसमें अभी टेम्प्ररी बंद है एडमिशन, मतलब कुछ समय के लिए जो है एडमिशन बंद है। और कुछ कहते 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 इन्होंने दो बार तीन बार नाम चेंज कर दिया, जैसा आपने कहा कि पहले SOSC, पहले RPV भी था, फिर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बना, और अब तो बाबा साहब के नाम पे रख दिया। नाम तो सर कुछ भी हो सकते हैं। स्कूल बना क्या आपके यहाँ? ना सर, ये तो पीछे से आगे से पेंट हुए हैं सिर्फ, स्कूल वही है। और वहाँ के बच्चों से आपने सर अगर एक बार मिल लिया होता ना प्रतिभा के विद्यालय के, तो वो बच्चे कुछ अलग मॉडल के। प्रतिभा, देखिए प्रतिभा क्या है कि क्रीमी लेयर बच्चों के लिए एक नया विद्यालय बनाया गया था, और शीला दीक्षित ने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया। हमें उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार भी इस पे काम करेगी, लेकिन इन्होंने उन स्कूलों को बढ़ाने के बजाय सिर्फ उन स्कूलों के नामकरण पे ध्यान दिया। हाँ बिल्कुल, डिग्रेड बना दिया सर, डिग्रेड। अब स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है ना सर, या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, वहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। वो बच्चे तो टीचर का जो सम्मान होता है ना सर, वो दिखावे के लिए करते हैं बच्चों को, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, मोरल लेवल होता है, एक जो इंटरगिटी होती है, जो टीचरों से जो भावना उत्पन्न होती है ना, वो नहीं सिखाया जा रहा है वहाँ, वो ऑनलाइन पढ़ाई करवाया जा रहा है। ठीक है ऑनलाइन करवाओ भैया, जैसे करवाना वैसे करवाओ, लेकिन छठी से एडमिशन तो दे दो इन गरीब बच्चों। सत्यनारायण एक और सवाल बताइए मेरे को, अरविंद केजरीवाल ने 2013 में और फिर 2015 में एक वादा किया था कि वो पूरी दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलेंगे। मैं द्वारका से आया हूँ, मेरे यहाँ कोई नया स्कूल नहीं खुला है। क्या इस विधानसभा के अंदर, आदर्श नगर विधानसभा ये पड़ती है, आम आदमी पार्टी के विधायक पे आप लोगों ने भरोसा जताया है, यहाँ पे 7 नए स्कूल खुले, क्योंकि पर विधानसभा 7 स्कूल खोलने का प्रोजेक्ट था? अच्छा, इसमें मैं कहूँ तो स्कूल में 2-4 नए कमरे ऐड किए गए। नया स्कूल बना क्या? बिल्कुल नहीं सर, नया स्कूल के नाम पे तो ठग है, ठगने का बैनर लगा लेना चाहिए केजरीवाल को अपने घर के आगे, ठगने का बैनर लगाना चाहिए। और यहाँ के MLA तो मुझे इतना दौड़ाया सर, मैं अभी कॉल लिस्ट निकालूंगा ना, मैं इनको कॉल करता हूँ तो कहते अरे तुमने मुझे कॉल सेंटर समझ रखा है क्या सत्यनारायण मुझे, ऐसे रिप्लाई दिया सर ने मुझे। मैंने कहा ठीक है सर, अब तो मुझे नाम बताइए विधायक जी का। ये पवन सर है, पवनी सर है, पवन कुमार जो भी है यार, पवन सर कह दिए, इससे ज़्यादा क्या लेंगे वो। पवन सर है, नए विद्यालय नहीं बने सर, नए विद्यालय। बच्चों आप लोग कौन सी क्लास में हो, नाम क्या है आपका? रुद्र सैनी।
रुद्र, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है? प्रतिभा में। क्लास कौन सी? सिक्स में। क्यों प्रतिभा में क्यों पढ़ना है, बाकी किसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना? यहाँ पर वो लड़ाई वड़ाई होती है, यहाँ पे लड़ाई वगैरह, स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है। नहीं। अच्छा, केजरीवाल भाई साहब तो कहते हैं कि हमने स्कूल बदल दिए, तो आपके यहाँ के स्कूल नहीं बदले हैं क्या? नहीं, नो सर। क्या क्या सर? उसे कलर वलर कर दिया और उसको बताया गया नया बन गया। अच्छा, आप लोगों की मांगे क्या है? प्रतिभा का टेस्ट दे दोगे? पास हो जाओगे? तो मतलब कि अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी अगर टेस्ट करवा दिया जाए तो पास कर लोगे? हाँ। अच्छा, किस विद्यालय से पढ़े हो अभी तक? सामने देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एक निगम का विद्यालय है, ये भी सरकारी विद्यालय है। इन्हीं सरकारी विद्यालयों के ये बच्चे छात्र हैं। आप लोग वहीं पर रुके बेटा। इन्हीं सरकारी विद्यालयों के ये बच्चे छात्र हैं और इन बच्चों का आत्मविश्वास है कि ये बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मेरे साथ इनके माता पिता हैं। कितने महीने से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? डेढ़ महीने से सर। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है छठी से आठवीं तक बच्चे को प्रतिभा में जाना चाहिए। बच्चा पढ़ने लायक जो है वो भी नालायक हो रहा है, नालायक स्कूल में जाने के बाद। नालायक स्कूल क्यों कह रहे हैं उसे? क्या वहाँ पढ़ाई वगैरह नहीं होती? पढ़ाई वगैरह होते, बच्चे जो खराब है उसके संगति में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छे बच्चे भी जो पढ़ने लायक जो बच्चा अच्छा है वो बच्चा भी अच्छे गलत बच्चे के संग में बर्बाद हो रहा है वो भी। क्या मतलब कि 2015 से लेके अब तक अरविंद केजरीवाल स्कूलों के माहौल को सुधार नहीं पाए? नहीं सर। यहाँ पे स्कूलों का माहौल नहीं सुधरा? जी नहीं। तो ग्राउंड रियलिटी है कि विज्ञापनों में स्कूल बदले हैं, असलियत में नहीं बदले हैं। क्या मारपीट, गुंडागर्दी, इन सब की घटनाएं होती रही? आप उसी में सर, जैसे स्कूल में बच्चे जाएगी, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई करती है, जो दूसरे बच्चे बदमाश है वो जाएगी पीछे से सर फोड़ देगी, टाले के उनके थप्पड़ उठा देगी। मान लो आप उसी में लड़की हो लड़का हो, कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल का टीचर बोलती है मैं क्या करूँगी, मैं उसके साथ जाऊँ महाभारत करने के लिए, मेरे कोई गलती नहीं है, जो करेगी उसको आगे करूँ। स्कूल का गेट पे से बाहर निकल गया, लड़का हो लड़की हो हमारे कोई गारंटी नहीं है, वो अपना आप संभालो बच्चे के साथ। अच्छा, एक और बात मेरे को बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे प्रतिभा विद्यालय के लिए तैयार है? हाँ, हमारे बच्चे तैयार है। टेस्ट लीजिए, जो बच्चे पास हो जाएगा उसको बच्चे को एडमिशन हो जाएगी, जो नहीं पास होगी सर वो अपना बिल्डिंग खंडर में जाएगी। सही बात है, हम लोग प्राइवेट में पढ़ा के 2-3 साल जब हम वो सरकारी में डालें, इसी वजह से जो बच्चा हमारे छठी से निकल जाएगा प्रतिभा में जाए। बताओ, गरीब आदमी पैसे लगा लगा के प्राइवेट में पढ़ा के हम सरकारी में डाल लें तो बच्चे वो नालायक होगा या नहीं होगा? बच्चे के गलत बच्चे की संगति अगर हो जाएगा तो इस मामले में तो केजरीवाल सर हमारे लोग गरीब लोग को वो कृपा करेंगे, जभी तो गरीब लोग के बच्चे बनेंगे। आपने यहाँ पे जो विधायक हैं उनसे बात की? सर किए थे, सबके पास क्या हुआ? बोला करेंगे, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं होने के जवाब नहीं दे रहा है। हमें छठी से लेकर आठवीं तक एडमिशन हो जाए हमारे बच्चों के। हम गरीब आदमी हैं, हम प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम सरकारी में पढ़ाएंगे। सरकारी में इसलिए पढ़ाना है क्योंकि माहौल मिल सके, क्योंकि पैसा नहीं है, इसलिए RPVV के अंदर एडमिशन करवाने चाहते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ के बच्चे तैयार हैं कि आप किसी भी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, हम उन एग्ज़ाम्स को पास करेंगे और पास करके उन स्कूलों में दाखिला लेंगे। अब इनको तलाश है तो एक मौके की, वो मौका जो अरविंद केजरीवाल का वो नियम दे रहा है, जिसकी दुहाई सत्यनारायण दे रहे हैं। सत्यनारायण, कौन से नियम के तहत इन बच्चों को रोक दिया गया दाखिले से? ये सर ये कह रहे हैं कि हम नौवीं से पढ़ाएंगे, हम बच्चों को जो है अलग लेवल का पढ़ाएंगे, हम विदेश नीति को अपनाएंगे। संस्कृत खत्म है सर, नौवीं से संस्कृत खत्म है। हमारा जो सभ्यता था वो विरासत खत्म किया जा रहा है। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि अब नौवीं से बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाएंगे, वो भी संस्कृत भी खत्म है। चलो कुछ भी खत्म हो, छठी से एडमिशन तो हो सर, छठी से एडमिशन हो। और हम बार बार हम ये करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना कर दे। अगला पड़ाव तो हमारा केजरीवाल सर का ऑफिस ही है, तोड़ फोड़ करना पड़े तो वो तो हम कर नहीं सकते, हम तो बच्चे हैं ना, लड़ाई झगड़े वाले तो हम हैं नहीं। सर के पास जाएंगे आराम से, लिखा पढ़ी वाला जितना काम होता है, पत्र देंगे, लेटर देंगे, 10 आदमी के साथ जाते रहेंगे, क्योंकि ये गरीब पेरेंट्स है सर, मंडी से निकलना इनको पता ही नहीं है। इनके बच्चे निकलते थे पहले, अब वो भी नहीं निकलेंगे। गरीब पेरेंट्स है, ये यहाँ काम दिन रात मेहनत चलता है, यहाँ पर मंडियों में काम करता हूँ, और मंडी का हाल तो इतना खराब सर, इन बच्चों के जीवन के साथ तो खिलवाड़ है ही।
मार हाँ किसी को भी मार दे रहे सर मंडी में। हाँ मंडियों का माहौल ठीक नहीं है। हम तो ये भी सोचेंगे कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कोई भी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी, क्योंकि टीचर ने कह दिया है कि भैया हम स्कूल तक ही सीमित है, स्कूल के बाहर हम कुछ नहीं देखेंगे। जब हमारे देश का सर शिक्षा ही अच्छा नहीं होगा, नींव ही अच्छी नहीं होगी शिक्षा की, तो बच्चे जब अच्छे ही नहीं होंगे तो हमारा देश क्या तरक्की करेगा। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि अगर इन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो प्रतिभा के लिए एंट्रेंस करवा लीजिए माननीय अरविंद केजरीवाल सरकार साहब। ये बच्चे आप ही के हैं, दिल्ली के ही हैं, और ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनको इनका हक मिले। आप छठी सातवीं आठवीं नौवीं ग्यारहवीं सभी में दाखिले लीजिए, ये बच्चे तैयार हैं। अब आपके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या सिर्फ विद्यालयों के नाम बदलने से आप विद्यालयों को बदल पाएंगे या फिर इन बच्चों को उनका हक देंगे। दिल्ली की स्कूली व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन आए हैं उसने कहीं ना कहीं गरीब के बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा की है, लेकिन विज्ञापन के जोर के आगे ये बातें सामने नहीं आ पाती। तो अब देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मैं ये वीडियो समर्पित करता हूँ कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि जो केजरीवाल सरकार है वो अपनी भ्रम की नींद से जागे और इन बच्चों को उनका हक दे। कैमरे के पीछे विशाल, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं निशा।